हेलो दोस्तों दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैटर प्लॉट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली हम स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं जब हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो किसी दो डिफरेंट डेटा सेट का, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट जो कि हमने खरीदा उसका सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है हमने, देन कॉस्ट लिखा और यहाँ पे उसकी प्रॉफिट लिखी। हमने जो है ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितनी कमाई, राइट। इसका हमने स्कैटर प्लॉट बनाया, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये हमारा स्कैटर प्लॉट है। ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है या फिर दिखा रही है, ये हमें दिखा रही है कि कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप जो है ना ये डेटा सेट का हमें क्या मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट पकड़ के चलता हूँ, ये लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं हम। इस पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा कॉस्ट है, यहाँ पे वो कॉस्ट है 700 रुपये, प्रॉफिट 700 रुपये है, राइट। लेकिन कॉस्ट इसका कितना था, 3800 रुपये। हमने इसको बेसिकली 4500 रुपये में बेचा, तो ये हमें एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, राइट। इस तरीके से हम स्कैटर प्लॉट के अंदर में बहुत ही सारा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना स्कैटर प्लॉट शो करना। तो मैंने ये डेटा जो है ना दूसरे शीट्स के अंदर में फिल की है, और मैं शीट्स में लेके चलता हूँ, राइट। ये देख सकते हैं ये स्कैटर प्लॉट डेटा मैंने यहाँ पे फिल की। इस डेटा से हमें स्कैटर प्लॉट बनाना सीखना है। इसे सीखने के लिए सिंपली पहले मैं ये कॉलम को डिलीट करता हूँ, अब बेटर है। तो स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले आना है अपने इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट ग्रुप, राइट। इस चार्ट ग्रुप के अंदर में बहुत ही सारे डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं, बट हमें बेसिकली इस वीडियो में बात क्या करना है, वो बात करना है हमें स्कैटर प्लॉट कैसे डिनोट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सिंपली हम इंसर्ट स्कैटर एक्स वाई और बबल चार्ट इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप का स्कैटर यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन स्कैटर, सेकेंड देख सकते हैं आप यहाँ पे स्कैटर विद स्मूथ लाइन्स, थर्ड देखेंगे आप स्कैटर विद स्मूथ लाइन्स, फोर्थ स्कैटर विद स्ट्रेट लाइन्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ड्रॉ करने के लिए सिंपली हमें कॉस्ट और प्रॉफिट वाले डेटा को, कॉस्ट हमारा डेटा है ये बेसिकली डिनोट करेगा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को, और प्रॉफिट डेटा ये हमारा डिस्कस करेगा या डिनोट करेगा हमारा वर्टिकल एक्सिस या फिर वर्टिकल लाइन को। तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं इस डेटा को, सेलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे अपने इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको अगेन स्कैटर प्लॉट वाले ऑप्शंस पे आना है। हमें देखना है कि इसमें स्कैटर देखना है, तो सिंपली हम इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपका स्कैटर प्लॉट यहाँ पे शो करेगा, राइट। अब इसके अंदर में हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऊपर में इसका टाइटल देना हो, तो टाइटल देने के लिए सिंपली हम यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सेस टाइटल, राइट, या फिर एक्सेस टाइटल इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, या फिर चार्ट टाइटल इस पे तो आएंगे यहाँ पे, देन हमें चार्ट टाइटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही अबव चार्ट, यानी कि आपको इसका टाइटल कहाँ पे देना है, चार्ट के ऊपर देना है, तो सिंपली हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आना हमें चार्ट का टाइटल लिखना है। चार्ट का टाइटल लिखने के लिए हम अपने कीबोर्ड से जो भी आप चार्ट का टाइटल लिखना चाहते हैं वो यहाँ से टाइप करेंगे, कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप, ओके एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हमारा चार्ट का टाइटल आ गया। अगर आपको इसको बोल्ड करना है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा, राइट। अगेन अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नेम रखना है एक्सिस का, तो सिंपली हम एक्सिस टाइटल पे आएंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, एक्सिस टाइटल पे हमें आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल इस पे नाम रखेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे आके इस पे नाम रखना है, राइट। नाम क्या रखेंगे इसका, हमारा क्या ये प्रॉफिट को शो करता है सिंपली, तो क्लिक करेंगे हम। अगर हमें वर्टिकल लाइन पे नेम नेम लिखना है तो अगेन प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे हम, आएंगे एक्सिस टाइटल पे, इस पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी वर्टिकल इस पे हम क्लिक करेंगे, तो ये क्या है हमारा, ये डिनोट करता है हमारे प्रॉफिट को, ओके। हम आएंगे यहाँ पे
सेलेक्ट करेंगे और प्रॉफिट आप देख सकते हैं हमारे एक्सिस में आ गए। अगर आपको चार्ट का साइज इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो सिंपली आप यहाँ कॉर्नर में लेके आएंगे अपने कर्सर को और यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको बीच वाले चार्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको चार्ट का कलर चेंज करना है, तो सिंपली हम चार्ट के किसी ऊपर पार्ट में क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे यहाँ डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आने के बाद आपको वेरियस कलर मिलेगा चार्ट का, वो आप जो है ना एक एक करके चूज कर सकते हैं कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं, राइट। अगर ब्लैक करना है, ब्लैक रखना चाहते हैं ब्लैक रख सकते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं ब्लू रख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही सारा कलर मिलेगा, वो आप एक एक करके चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये रखना है, तो सिंपली इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, हमारा ये चार्ट यहाँ पे शो करेगा, राइट। अगर आपको किसी भी पॉइंट का करना हो, यहाँ पे इस पॉइंट का डिनोट करना हो, यहाँ पे प्रॉफिट क्या है या फिर इसकी कॉस्ट क्या है, तो सिंपली हम प्लस आइकन पे आएंगे। प्लस आइकन पे आने के बाद आपको आना है डेटा लेबल वाले ऑप्शन पे, सिंपली हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा लेबल हो रहा है हर पॉइंट के साथ। अगर आपको ये डेटा लेबल ग्राफ के ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, आप एक एक करके वो सारी चीजें चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट में चाहिए, आप देखेंगे पॉइंट के लेफ्ट में, राइट में चाहिए पॉइंट के राइट में, अबव चाहिए आप देखेंगे पॉइंट के अबव डेटा लेवल शो कर रहा है, नीचे चाहिए वो पॉइंट के नीचे डेटा लेवल शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से जो है ना यहाँ पे आके डेटा लेवल अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगेन अगर आपको ग्रिड लाइंस चाहिए, डिफरेंट टाइप का ग्रिड लाइंस इसके अंदर में शो करता है, वो सारी चीजें रख सकते हैं यहाँ से। अगर मैं प्राइमरी मेजर वर्टिकल पे करूंगा, तो देखेंगे ये देखिए प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल, ये देखेंगे बाहर वाली लाइन को शो कर रहा है। ऊपर में करेंगे हम, आप देखेंगे प्राइमरी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ के अंदर में शो कर रहा है। प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देखेंगे इस साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रहा है प्राइमरी, इसमें हमें इसे डिलीट करना है और सिंपली जैसा था हमें वैसा ही शो करना है। लेजेंड में आएंगे आप, लेजेंड में आने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस पे सिंपली आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है हमारा और कॉस्ट कहीं और पे शो कर रहा होगा वो, तो सिंपली हमें इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके अनसेलेक्ट करेंगे, देखेंगे आप यहाँ से प्रॉफिट यहाँ से हट गया, राइट। प्रॉफिट आप कहाँ पे शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर टॉप पे शो कराना चाहते हैं वो टॉप पे शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे। अगर बॉटम में शो कराना है तो बॉटम में शो करेगा, आप देख सकते हैं, तो ये कर सकते हैं यहाँ से। अनचेक करूँगा मैं, देन आना ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन पे आने के बाद यहाँ पे हमारा ये शो करता है आपको ग्राफ के शो में डिनोट करना लीनियरी, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लीनियर पे अपना कर्सर लेके आया, यहाँ पे लीनियर लाइन ड्रॉ हो रहा है। अगर एक्सपोनेंशियली करना है, तो एक्सपोनेंशियली पे आएंगे, लाइन ऊपर में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अगर लीनियर फोरकास्ट देख सकते हैं आप, इसमें वेरियस ऑप्शंस मिलेगा, आप जो है ना एक करके चूज कर सकते हैं जो भी लाइन आपको ड्रॉ करना है। मुझे इस ग्राफ का इक्वेशन चाहिए, तो सिंपली मैं इस ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, इस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद जाऊंगा मोर ऑप्शंस में, इस पे हमें आना है। मोर ऑप्शंस में आने के बाद ये देख सकते हैं आप, आपको ग्राफ किस रूप में चाहिए वहाँ पे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे लीनियर में चाहिए, तो मुझे लीनियर वाला सेलेक्ट करके रखूंगा। नीचे आना है आपको, अगर आपको इक्वेशन चार्ट पे शो करना है तो यहाँ पे आना है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, इस पे जैसे क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे इक्वेशन शो करने को मिलेगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको ये इक्वेशन थोड़ा बोल्ड करना हो, तो बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर इसका कलर चेंज करना हो, तो आप आएंगे कलर वाले ऑप्शन में और यहाँ से इसका कलर चेंज आप कर सकते हैं जो भी आपको कलर रखना हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रेड रखना है, रेड पे क्लिक करूंगा, ये देखिए रेड शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर, इसलिए यहाँ पे रेड शो नहीं कर रहा है, राइट। तो मैं कोई दूसरा कलर चूज करूंगा यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लू चूज करना हो वो, चलिए ये कलर मैं चूज कर लेता हूँ, राइट। अगर आपको यहाँ पे इस लाइन इसमें आना है, अगर इसमें किसी तरीके का कोई मैनिपुलेट करना है, कुछ और चेंजेस करना है, तो सिंपली आएंगे यहाँ पे सिलेक्ट डेटा वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखेंगे आप इस वैल्यू में, हम कॉस्ट की वैल्यू में जो भी चीजें हम चेंज करेंगे वो ग्राफ में हमें चेंज होता हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ, तो आप ग्राफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, ये देखिए पहले यहाँ पे 400 पे हमारा इंटरसेप्ट क्या था और 200 पे इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से शो कर सकते हैं, राइट। अगर जो भी एक भी चीज चेंज करेंगे आप इस डेटा से,
तो ग्राफ के अंदर में आपको चेंजेस होने को मिलेगा, राइट। अगर आप ग्राफ का आउटर लाइन देना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट टैब में आने के बाद आपको शेप आउटलाइन इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको ग्राफ का आउटलाइन देखने को मिलेगा, राइट। देन अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना तो वो मैं आपको बताया बैकग्राउंड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ फिल वाले ऑप्शन में जाना था वहाँ आके, या फिर डिजाइन वाले ऑप्शन में आना था। डिजाइन ऑप्शन में आने के बाद आपको नीचे आना था, वहाँ पे आपको वेरियस ग्राफ दिख रहा था, वहाँ पे आके आप ग्राफ को चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको इस स्कैटर प्लॉट की जगह पे कोई दूसरा ग्राफ चाहिए था तो सिंपली हम क्या करते हैं, अगेन इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में आने के बाद स्कैटर प्लॉट में आते हैं, यहाँ पे हम वेरियस ग्राफ देखने को मिलता, वहाँ पे आके हम जो है ना ग्राफ शो कर सकते थे, राइट। बट हमें स्कैटर प्लॉट सिंपली चाहिए था तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, हमें इसे ऐसे ही शो करना, राइट। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने ग्राफ के अंदर स्कैटर प्लॉट एक्सेल शीट के अंदर में स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं वेरियस डेटा का। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी दो डिफरेंट डेटा सेट के लिए। हमने यहाँ पे दो डेटा सेट लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट एक डेटा सेट है और प्रॉफिट एक डेटा सेट है, इसको इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे इस ग्राफ में शो कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो है ना आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं यूज करके हम स्कैटर प्लॉट को, राइट। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।